हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे चित्रकारों की, जो वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। कई बार वेस्टर्न आर्टिस्ट का सीक्वेंस क्रोनोलॉजी हमें पता नहीं होती, तो हम उसको ठीक से कर नहीं पाते और क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा आता है, जब रेनेसा स्टार्ट होता है तब से हम देखते हैं, रेनेसा से थोड़ा सा पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारी आर्टिस्ट हैं वो फ्रा एंजेलिका है। फ्रा एंजेलिका का जन्म 1387 में हुआ और इनका मृत्यु 1455 में हुई। मैंने इसके साथ साथ इनके चित्रकारों की जगह, वही किस कार्यरत पर थे, क्या काम करते थे, वह सब भी इसमें लिखा है। सेकेंड हमारे हैं मसाचियो। मसाचियो जो थे उनका जन्म 1401 में हुआ, ये फ्लोरेंटाइन थे, ठीक है। उसके बाद मसाचियो के बाद आते हैं डोमिनिको मेनेजिनो, जो कि इतावली चित्रकार थे। फिर आते हैं पाओलो उच्चेलो, ये भी आपको कई बार मिल जाएगा लेकिन आपको डोमिनो वेजिनो नाम नहीं मिलेगा। ये फ्लोरेंस के कलाकार थे, ये पेंटिंग बनाते थे और ये फ्रेस्को पर भी काम करते थे। नेक्स्ट है हमारा आंद्रिया डेल कास्तानो, इनका जन्म 1423 में हुआ और 1457 में इनकी मृत्यु हुई है। इटालियन पेंटर है। सिक्स्थ है हमारा डोमिनो गिरलैंडो, इनका जन्म भी 1449 में हुआ, ठीक है, ये इटालियन पेंटर है। इसके बाद आते हैं फ्रा फिलिप्पो लिपी, इनका जन्म 1406 में हुआ और 1459 में इनकी मृत्यु हो गई, ये भी इटालियन पेंटर हैं। ये पेंटिंग बनाती हैं, ये भी फ्रेस्को करती हैं। उसके बाद हमारे कुछ दूसरे आर्टिस्ट आते हैं, जैसे सांद्रो बोटिचेलो, ठीक है, हमारा है सांद्रो बोटिचेलो, इनका जन्म 1445 में हुआ था, ये इटालियन पेंटर हैं और ये पेंटिंग बनाते हैं। एंटोनियो पाओलो, इनका जन्म 1432 में हुआ, ये इटालियन पेंटर हैं, साथ साथ ये स्कल्प्टर भी हैं, ये इंग्रेविंग भी करते हैं और ये गोल्ड स्मिथिंग भी करते हैं, तो याद रखें ये चार चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पियोतो बनुची परुजीनो, ठीक है, इनको पियोतो बनुची को परुजीनो के नाम से भी जाना जाता है, पियोतो बनुची को पेरुजीनो के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म 1450 में हुआ था। उसके बाद आता है हमारा लूका सिनरेली, इनका जन्म 1445, आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर सेम ही हैं, सेम ही सन के हैं, ठीक है, लेकिन इनका सीक्वेंस ही यही है, ये इटालियन पेंटर हैं, ये पेंटिंग करते हैं। अब आते हैं हम सियाना के चित्रकारों पे, ताकि आपके लिए इजी हो जाए चीज़ें। अब जो वो थे वह थे 14वीं शताब्दी के थे, अब ये 15वीं शताब्दी में आते हैं। सास्यता इनको सान, फिर आते हैं सानदु पियोत्रो, वेविका जता, फ्रेंचची दी जाजिया, ये सारे सियाना के चित्रकार हैं। उसके बाद हम देखते हैं उर्बीनियो के चित्रकार जो थे, बेनेटेटो बोनिफिली, बेरेंजो दी लोरेंजो, लोरेंजो का नाम आप सुनेंगे, आपको पता भी होगा। उसके बाद आता है पियरो देला फ्रांसिस्का, फिर आते हैं आंद्रिया मंतगेना, उसके बाद हमारे पास आते हैं वेनिस के चित्रकार, ये हमारे वेनिस के चित्रकार हैं। मैंने सीक्वेंस इसीलिए किया ताकि आपके लिए पढ़ने में इजी हो और आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। उसके बाद हमारा आता है विवरनो बंधो एनतोनियो बालालिमियो सेकंड, फिर वेनिस के जो शुरुआत काल में आए थे, ये उसके ये चित्रकार हैं,
बेरिलिनो जो थे वो प्रमुख चित्रकार थे। उसके बाद आते हैं जैकोब बेरिलिनो, ठीक है। अब ये इनका फैमिली सर्कल चल चुका है जिसमें ये सारे चित्रकार थे, ये सारे आर्टिस्ट थे। बेरिलिन जो है बहुत फेमस परिवार था जो कलाकार के नाम से जाना जाता था। तो फिर आते हैं जेंटलाई बेरिलिनो और लास्ट में इनका जेवनाई बेरिलिनो, ये उनके पुत्र हैं, ठीक है। ये बेरिलिनो के प्रमुख परिवार। तो आज की हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।